हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिसेस की, जिसके पहले भी एक दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का टॉपिक अपना माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले वीडियोस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं। देखो, माइनर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे, यानी किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड आउट करना है ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना हो इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग। तो क्या करते हैं अपन, डिलीट करते किसको, आई रो को, यानी उस रो को एंड जो कॉलम को, उस कॉलम को इन विच एलिमेंट ए आई जे ऑफ लाइज। कहने का मीनिंग यहाँ पे यह है, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड आउट करना अगर हो तो उसकी रो को और कॉलम को क्या कर देते हैं अपन, डिलीट कर देते हैं। जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचती है वो क्या कहलाता है, उसका माइनर कहलाता है, और इसे एम आई जे से डिनोट किया जाता है। एक एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूँ इस टॉपिक को। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 - 3 - 2 - 2 - 4 एंड 3 - 1 और 3। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम आई जे से। माइनर ऑफ ए आई जे इज, ए आई जे का जो माइनर होगा किस, इस मैट्रिक्स का जो माइनर होगा उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे। अब ऐसे माइनर निकालेंगे, पहले एम वन वन की वैल्यू निकालेंगे। तो एम वन वन का मीनिंग आई की वैल्यू, एम आई जे है ना, आई की वैल्यू कितनी होगी 1 और जे की वैल्यू होगी 1। तो इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या करना है, 1 रो को और 1 कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। 1 रो और 1 कॉलम को, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जो भी एलिमेंट्स बचे वो क्या कहलाएगा, इसका माइनर कहलाएगा। तो एम वन वन का मीनिंग हो गया माइनर ऑफ ए वन वन। आएगा कैसे, अभी आपको मैंने बताया क्या करना है आपको, एम वन वन यानी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने, इस रो को, इसको रिमूव कर दो और इसको, तो क्या बना वो देख रहा आपको, 2 - 1 - 4 - 3। तो राइट कर देंगे यहाँ पे 2 - 1 - 4 - 3। नेक्स्ट देखते हैं, एम वन टू दैट इज माइनर ऑफ ए वन टू, यानी 1 का मीनिंग हो गया फर्स्ट रो, 2 का मीनिंग हो गया सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये और सेकेंड कॉलम ये, इसको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, -3 - 1 - 2 - 3। राइट कर देते हैं, -3 - 1 - 2 - 3। सिमिलरली एज इट इज एम 1 - 3 माइनर ऑफ ए वन थ्री, इसका मीनिंग क्या होगा। देखो, 1 का मीनिंग क्या हुआ, रो सी है ना, 1 का मीनिंग तो हो गया रो, 3 का मीनिंग हो कॉलम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये, इनको इस बार इनको रिमूव करेंगे तो क्या आया, -3 - 2 - 4। तो राइट करते हैं, -3 - 2 - 2 - -4। सिमिलरली अब आपको निकालना है माइनर 2 - 1 माइनर ऑफ ए टू वन एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड आउट करना है। तो क्या निकलेगा, देखो 2 - 1 ये रहा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया तो क्या एलिमेंट बचते हैं देखते हैं, 2 - 3 - 4 - 3। क्लियर। नेक्स्ट एज इज माइनर ऑफ 2 - 2 A22। तो यहां से क्या होगा, देखो माइनर ऑफ A22 यहां से निकालना है आपको, ये वाला एलिमेंट आ गया,
सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या एलिमेंट पार्ट हुआ वो आपको राइट करना है, 1 3 2 3, नेक्स्ट माइनर ऑफ 2 3, देखिए यहाँ पे माइनर ऑफ 2 3 निकालना है तो ये वाला एलिमेंट हो गया, तो सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को रिमूव करना है तो क्या बनेगा, 1 2 2 -4, 1 2 2 -4। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट M31, M32 और M33 भी एज इट इज निकालेंगे, इसी प्रकार बाकी रिमेनिंग पार्ट के माइनर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके जो माइनस फाइंड आउट हो चुके हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर किस प्रकार से फाइंड आउट होते हैं वो भी देखते हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स लेते हैं। बात करेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोफैक्टर होता है, इसको डिनोट करते हैं Cij से, और इसका कंसेप्ट होता है -1 की पावर i+j Mij, और Mij क्या होता है यहाँ पे Mij, और Mij क्या होता है माइनर ऑफ Aij। अब इसकी को देखो, अगर आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना इजी वे से आता है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को माइनर आना चाहिए। तो माइनर कैसे फाइंड आउट, माइनर आपने पढ़ देख चुके पहले, अब कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, अगर i प्लस जे की वैल्यू इवन हो जाए तो माइनर के साइन के आगे प्लस का साइन होता है, और i और जे की वैल्यू अगर ओड हो जाती है तो Mij किसका होगा, साइन हो जाता है उसका, माइनस का हो जाता है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका भी, बिफोर एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जो बिफोर एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल ये है, वहाँ पे अपने माइनर फाइंड आउट किए थे, या इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर को क्या होता है डिनोट किया जाता है Cij से, कहीं कहीं पे इसको आपको Aij से भी डिनोट किया हुआ होगा, तो ठीक है। अब देख लेते कोफैक्टर ऑफ A11, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है, Cij इक्वल -1 की पावर i+j एंड Mij, वेर Mij माइनर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना आपको, C11, दैट इज कोफैक्टर ऑफ ऑफ A11। अब देखिए यहाँ पे देखो i की वैल्यू 1 है, j की भी 1 है, तो क्या होगा -1 की पावर 1+1, और ये हो गया M11। तो ये माइनस की पावर देखो, ये क्या 1+1 इवन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली M11 हो जाएगा। अब आपने M11 बिफोर एग्जांपल में निकाला हुआ है, रिपीट कर देते हैं क्या आएगा, माइनर कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए M11 का मीनिंग हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है तो क्या बनेगा, 2 -1 -4 एंड 3। क्लियर है, आगे देखते हैं, ये आ गया सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर ले तो कितना हो गया 6 2 3 6, माइनस का साइन, और ये क्या होगा 4 हो गया, तो -4 = क्या हो गया 2। सेम एज इट इज कोफैक्टर C12 का मीनिंग क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12, इसे जब राइट करोगे तो आएगा -1 की पावर 1+2 M12, इसका मीनिंग हो गया -M12। अब इसको जब सोल्व करोगे आप डिटर्मिनेंट्स में तो साइन आ गया माइनस, और M12 की वैल्यू यहाँ से राइट कर सकते हो आप, M12 क्या होगा -3 -1 2 एंड 3। सोल्व किया तो कितना आएगा, देखो ये तो माइनस तो बाहर है, ये आ गया -9 और ये आ गया -7, तो -1 प्लस का 2 हो गया, तो कितना आ गया -7, तो ये आ गया +7। नेक्स्ट C13 -1 3
m13 क्या होगा, देखो i की माइनस की पावर इवन आ रही है तो क्या हो जाएगा m13। अब m13 की वैल्यू क्या है वो राइट करेंगे, m13 है -3 2 -4, जब सोल्व आउट सॉर्ट आउट किया तो कितना हो गया 12 -4 इक्वल कितना आ गया 8। सेम एज इट इज बाकी पार्ट को भी अपन सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका कोफैक्टर आ जाएगा, क्लियर। तो देख तो इस टाइप से सभी का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास कोफैक्टर आ जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना एडजॉइंट। एडजॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो अपन अब देखेंगे एडजॉइंट पार्ट जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस क्या हो काफ़ी लेंथी होती है, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। उस कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए उसका शॉर्ट ट्रिक्स मेथड अपन देखेंगे, जिससे आपको ये पता हो जाएगा या आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिससे कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है या आपकी क्वेश्चंस कहाँ रॉन्ग हो रहा है। तो देखते हैं पहले इसका बेसिक मेथड, उसके बाद लास्ट में देखेंगे इसके शॉर्टकट मेथड। तो देखते हैं, पहले देखते हैं द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो माइनर होता है माइनर, ठीक है, माइनर निकाला था कोफैक्टर निकाला था, तो एडजॉइंट भी अपन इजी वे उसी टाइप से निकालेंगे। इज डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, करना क्या है आपके पास जो भी कोफैक्टर आएगा उसकी जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइंट में। वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए आई जे, किससे डिनोट किया जाता है ए आई जे से। तो देख बता देता हूँ आपको मैं किस टाइप से होता है। सपोज दैट ये आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका माइनर या डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट किया जाता है उसे डिनोट किया जाता है अपन किससे, सी आई जे से, क्लियर। तो देखते हैं इसका मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करके मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको राइट किया था क्या आपने, C11, C12, C13, C21, C22 एंड C23, C31, C32 एंड C33। ये है इन एलिमेंट्स के क्या थे, कोफैक्टर थे। अगर इनका मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो अपने पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब इसका ट्रांसपोज किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है वो भी देख लेते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23 एंड C31, C32, C33। ये अपने पास क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। अब सिंपल सी बात करते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड द एडजॉइंट 4A 2314, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या चाहिए, मैट्रिक्स कोफैक्टर चाहिए। तो जब भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट अपन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनको इंटरचेंज कर देना, यानी 4 और 2, और इनके साइन चेंज कर देना, -3 -1। ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जो एग्जाम में भी कर सकते हैं आप। बेसिकली रिपीट कर देता हूँ मैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इनके तो क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और इस डायगोनल में क्या करना है, साइन चेंज करना है, चेंज
साइन, इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू को इंटरचेंज करना है, एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, और यहाँ पे क्या करना है, ओनली फॉर साइन चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 को यहाँ राइट 4 लिख दिया, 4 को 2 लिख दिया, तो ये तो क्या कर दिया अपन ने, इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या किया अपन ने, साइन चेंज किया। बट ये तो था 2/2 का, अगर 3/3 का हो तो क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3/3 के। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, जो बिफोर एग्जाम्पल था जिसमें अपने कोफैक्टर फाइंड आउट किया, जिसका अपने माइनर फाइंड आउट किया, वही एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो मैं डायरेक्ट इसका क्या करता हूँ, मैं इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूँ। क्लियर? आप इसका वीडियो इसको प्रीवियस में लेकर वापस देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का अपन ने कोफैक्टर फाइंड आउट कर दिया। कोफैक्टर के लिए पहले भी अपन ने देख चुके हैं, वही एग्जांपल है, उसको राइट किया है। अब क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। इन सभी कोफैक्टर्स को क्या करेंगे, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके उसका क्या कर देंगे अपन, ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। देखिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C3 का ट्रांसपोज। अब जो भी एलिमेंट, इनको पहले एलिमेंट पहले इनको राइट कर दिया, C11 की वैल्यू राइट कर दी, C12 की, C13, इन कंप्लीट का क्या करना, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज होता है रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो ये होगा 2, 7, 8, -18, -3, -8, -8, -8 एंड 8, ये क्या फाइंड आउट हो गया अपने पास, एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। क्लियर? अब अपन करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो बताता हूँ। ट्रिक में क्या करते हैं, जो गिवन क्वेश्चंस होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं। तो जो गिवन क्वेश्चंस था उसको मैं राइट कर रहा हूँ, क्या है, 1, -3, 2, -4, 3, -1 और 3, ये गिवन क्वेश्चंस होता है। इसके बाद में करना क्या है, आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट करना है, 1, -3, 2, 2, -4, इज दैट क्लियर? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट किया है, उसके बाद क्या करना, फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करना है, 1, 2, 3, 1, 2, -3, 2, -1 और 1 और 2। क्लियर? रिपीट कर देता हूँ, देखो जो क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट कर देना है। क्लियर? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, देख कैसे, 2, 3 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा, देखो ये तो हो गया 6, फिर साइन आता है माइनस का, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, माइनस का 4 हो गया, तो ये प्लस का 4 हो गया, तो कितना बच गया, 2। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई किया किससे, -3 से, तो कितना होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो कितना बच गया, 7। नेक्स्ट कितना आया, 12 -4, तो ये आ गया 8। क्लियर? देखिए रिपीट कर देता हूँ आपको, सॉल्व पहले इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉल्व एज इट ऐसे राइट करना है, सॉल्व करना है, और राइट आपको ऐसे करना है। क्लियर? देखिए देखो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा था, 2, 7, 8 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 2, 7, 8 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई करो कितना आया, -12, इसको किया तो कितना आया, -6, तो -18 आ रहा है। नेक्स्ट 3, -6, -3 आ जाएगा, कितना हो गया, 4, किसका, प्लस का, और ये माइनस वाई प्लस का 4, कितना हो गया, 8 आ गया। नेक्स्ट सेकंड कॉलम देखो, -18, 3, 8 आ रहा था, -18, 3, 8 आ रहा है। थर्ड देखिए कितना, 2 और -6, -8, 3 ये कितना हो गया, माइनस का 9 आ गया, और ये कितना होगा, +1, तो ये आ गया -8, और ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, +6, ये भी कितना हो गया, 8। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स का अपना एडजॉइंट फाइंड आउट हो चुका है बस। क्लियर? तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू। वीडियो के अंत में लाइक जरूर कीजिए, थैंक यू।